तो कल्पना कल्पना, हम भगवान की कल्पना कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? भक्तों का कुछ कुछ आंसर आया। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि कृष्णा कहते हैं कि उनको उनकी इच्छा से ही जाना जाता कब बोलते हैं? है। हम कृष्णा ने कहा है कि जितना गीता में जैसे बताया है कि जितना मैंने तुम्हें बताया वो 1% भी नहीं है मेरे उसका, तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि वो कैसे हैं क्या है। और दूसरा ये कि गुरु ने कहा है कि नाम जप करना है, तो हमें सिर्फ नाम जप में ही कृष्णा को फील करना है, क्योंकि उनका जो नाम है उसमें भी कृष्ण होता है। कृष्ण अपने नाम में हर जगह कृष्ण है। जो फैक्ट सही बता रही है वो तो सही से रख देता है, परंतु कुछ कुछ गड़बड़ भी बता रही है। ओके, कृष्ण माता जी बोल रही है कृष्णा और कृष्णा का नाम अलग नहीं है, कोई भिन्न नहीं है, ठीक है, उनको कृष्णा का नाम जपना चाहिए, बहुत अच्छी बात माता जी बोल रही है। कृष्णा बोलते हैं कि बस उनके द्वारा ही, पता नहीं माता जी ने कुछ और शब्द यूज किया, उनके द्वारा ही, भगवान के द्वारा ही, हाँ यही बोली, भगवान के द्वारा ही भगवान को समझाया जा सकता है। नहीं, ये नहीं है माता जी, रेफरेंस तो एकदम सही बता रही परंतु बात गलत बता रही। भगवत गीता 10वें अध्याय में कृष्णा भी बोलते हैं, अर्जुन भी बोलते हैं, सेम बात बोलते हैं कि कृष्णा स्वयं अपने आप को अपनी शक्ति द्वारा ही जान सकते हैं। कृष्णा ये नहीं बोलते मेरी शक्ति द्वारा तुम जान सकते, इनफैक्ट अर्जुन इसका ठीक उल्टा बोलते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि आपको पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता, कृष्णा भी वही बोलते हैं, चिंगारी समान। तो जब चिंगारी समान बोले तो उसका अर्थ ये नहीं होता है कि कृष्णा की एक लीला को जान लिए, दूसरी लीला को जान लिए, तीसरी लीला को जान लिए, 100वीं लीला को हम नहीं जान सकते। चिंगारी 1, 2, 3 इतना सही चिंगारी है। कृष्णा की 5 लाख लीलाएं हैं, 10 लाख लीलाएं हैं, 1 करोड़ लीलाएं हैं, उसमें से 3 या 4 जान लिए, नहीं ये नहीं है, ये भी नहीं है, प्लीज समझिए इस बात को। हम कृष्णा की एक लीला भी, एक पास्टाइम शुद्ध रूप से बिना कृष्णा की अहेतु की कृपा, गुरु की अहेतु की कृपा, वैष्णव की अहेतु की कृपा के बिना नहीं जान सकते। अब गुरु की हो जाती है तो वैष्णव की हो जाती है। अगर कृष्णा ही आपके गुरु हो तो कृष्णा ही वो तीनों का रूप भी धारण करके आपके कृपा कर सकते हैं, परंतु तीनों की अहेतु की कृपा चाहिए, हरि गुरु वैष्णव। तो एक तरफ तो बड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है, एक तरफ तो कृष्णा बोलते हैं, हिज डिवाइन शिला प्रपात बता रहे कि भक्त कल्पना नहीं करते, और दूसरी तरफ कृष्णा भी बोलते हैं, और यहां पे भी लिखा हुआ है कि कृष्णा मन के भीतर अंकन देते हैं, मन के भीतर आपको दृष्टि देते हैं। कृष्णा बोलते भी हैं भगवत गीता में, इनफैक्ट 2 श्लोक में बताते हैं, एक जगह ये बताते हैं आई रेसिप्रोकेट टू द एक्सटेंट, जो जितना समर्पित होता है उसको उस अनुरूप मैं ज्ञान देता हूं। कृष्णा ये भी बोलते हैं कि जो समर्पित होता है मैं उसको अपने पास आने का रास्ता दिखाता हूं। तो कृष्णा बताते भी हैं और नहीं भी बताते। देखिए होता कैसा है आप समझिए, इस बात को समझ जाइए
जीवन आसान हो जाए, है आज का टाइटल यही होना चाहिए, इस बात को समझ जाइए जीवन आसान हो जाएगा। भगवान आपको दृष्टि देने के लिए तैयार बैठे, परंतु आप भौतिक स्तर पे, आप भौतिक आंखों से, भौतिक कान से, भौतिक इंद्रियों से भगवान के बारे में कुछ नहीं जान सकते। जैसे ही आप समर्पण करते हैं, तो आप इस बात को मानते हैं कि आप इस भौतिक प्रकृति में भगवान को नहीं जान सकते। आपने समर्पण कर दिया, ये भौतिक प्रकृति मलिन है, इस प्रकृति में हम चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, समर्पण कर दिया। परंतु ये जब समर्पण करते हैं, अभी भक्ति रसामृत सिंधु वापस चलिए, हम जब समर्पण करते हैं तो हमको विधि अनुसार चलना पड़ता है। गुरु हमें जो जो बताए उस रास्ते चलना होता है, जो जो बातें बताए वो जाननी होती है, वो समझनी होती है, जो कार्य बोले वो करना होता है। आप लोगों ने स्वयं भी देखा होगा, जो जो कृष्णा का कार्य करने के लिए तैयार होता है, इनफैक्ट किसी डिवोटी से मैं ये बात कर रहा था, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो जो कृष्णा का कार्य करने के लिए तैयार होता है, कृष्णा का कार्य करता है, हर उसके हृदय में परिवर्तन आता है, हृदय बदलता है उसका। अगर हम कार्य करने को तैयार ही नहीं है तो हमारा हृदय कैसे बदलेगा? भगवत गीता में लिखा, वर्किंग फॉर कृष्णा, फॉलो रेगुलेटिव प्रिंसिपल, तो भक्ति करेंगे तो कृष्णा के पास जाएंगे। सबसे नीचे क्या है? वर्किंग फॉर कृष्णा, कृष्णा के लिए कार्य करना। सबके हृदय में बदलाव आता है। एक्चुअली में बदलाव तो हर स्थिति में आता है। आप कृष्णा का एक बार प्रसादम पा लीजिए, एक बार विग्रह का दर्शन कर लीजिए, एक बार कोई लीला सुन लीजिए, शुद्ध भक्तों से श्रवण कर लीजिए, नाम जब सुन लीजिए, नाम जब कर लीजिए, कीर्तन सुन लीजिए और नाम जब कर लीजिए, एक बार भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, हृदय में तो परिवर्तन आता है, परंतु मैं एक्सेप्ट नहीं करता। इस बात को समझिए, समर्पण और कार्य करना ये दोनों बहुत करीब है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो समर्पण करते हैं, और जब समर्पण करते हैं तो उसके लिए कार्य करने लगते हैं, और जब कार्य करने लगते हैं तो समर्पण अपने आप आता है। तो समर्पण करेंगे तो कार्य करने लगेंगे, कार्य करने लगेंगे तो समर्पण करने लगेंगे, जिसके लिए भी आप कार्य करते हो। देखिए, बहुत 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 अच्छी बात है, एक दो बार और जोड़ना है तो मैं और जोड़ देता हूँ, 10-20 बार और जोड़ना है तो मैं जोड़ देता हूँ, आधे घंटे तक बहुत बोलना है तो मैं बोल लूंगा, रिपेस को कम करके मत आंकिए। बहुत अच्छी बात है, आज एक खबर आई है भारत के लिए, बहुत अच्छी बात। कौन सी खबर आई थी, जल्दी से नाम लिखिए, है किस किस को मालूम है कौन सी खबर आई थी आज? हरे कृष्ण, चंद्रयान 3 लैंड हो गया। हाँ, हरे कृष्ण,
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छी बात है कि चंद्रयान मून पे, चंद्रमा पे चला गया, वहां पे स्थापित हो गया, बहुत अच्छी बात। परंतु इस जीवन शिल प्रपात प्रसन्न नहीं होते सी। ना इस जीवन शिल प्रपात बोलते हैं, ये तो आप इस मून पे जाने की बात सोच रहे, यही चंद्रमा पे, आप कोई भी चंद्रमा पे जा सकते हैं। भगवान आपको इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि चंद्रमा पे जाना दूर, आपको पूरा एक लोक दे देते हैं, ध्रुव लोक दे देते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भौतिक दृष्टिकोण से देखिए बहुत बड़ी बात, परंतु भौतिक दृष्टिकोण से क्यों देखें, क्यों देखें हम भौतिक दृष्टिकोण से? लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, परंतु हमारा दृष्टिकोण यहां तक तो सीमित है नहीं। तो प्रयास ये कीजिए कि इससे बड़ी यात्रा हम कर सके, कर सकते हैं, कोई मुश्किल कार्य नहीं। इनफैक्ट मैं भी चाह रहा था कि अच्छा हो जाए, परंतु ये सब भौतिक दृष्टिकोण से। अगर भौतिक दृष्टिकोण में हम बहुत अच्छा भी कर लिया तो क्या लाभ? तो देखिए, सबसे पहले हम विधि भक्ति से शुद्ध होंगे, शुद्ध होकर के भगवान का नाम जपेंगे, गुरु के आदेश अनुसार चलेंगे। अभी हमारी स्थिति क्या है कि हमारे हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों वास करते हैं, हम परमात्मा की बात नहीं सुनते। जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो आत्मा परमात्मा की बात स्वतः सुनने लग जाएगी, जब सत्ता सुनने लग जाएगी, अपने आप सुनने लग जाएगी, तब जाकर के ये जो नीचे लिखा हुआ है, मन के भीतर भगवान के स्वरूप का अंकन मनोमय है, तब होगा। अभी नहीं होगा। जब हम शुद्ध भक्ति करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, हृदय साफ होगा। कृष्णा तो हर पल ही हमें गाइड करते रहते हैं। आप कोई भी पाप कर्म करें, कृष्णा हमें रोकते हैं, नहीं ये पाप नहीं, परंतु हम फिर भी स्वतंत्र इच्छा से बोलते हैं, नहीं नहीं हमको कर लेने दीजिए ना, पाप कर लेने दीजिए ना, थोड़ा सा ही तो कर रहे हैं। अजामिल जैसे बोले, थोड़ा सा ही तो कर रहे हैं, स्वतंत्र इच्छा दिए हुए। तो हम लोग क्या करते हैं, हर स्थिति में पाप कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, और इस स्थिति में जब हम पाप करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो कृष्णा की बात नहीं मानते। तो करना क्या है, गुरु जो बोले उस अनुसार विधि भक्ति कीजिए। और कभी ये सोचना नहीं है कि हम शुद्ध हो जाएंगे, कृष्णा हमसे रेसिप्रोकेट करने लगेंगे, जिस दिन रेसिप्रोकेट करने लगेंगे उस दिन स्वयं पता चल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ मेंटल स्पेकुलेशन से दूर है? एक जगह कहीं लिखा हुआ है, मेंटल स्पेकुलेशन से दूर रहिए। यस,
वे किसी काल्पनिक वस्तु से नहीं 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 कहीं पे लिखा हुआ मैंने सुना है, मेंटल स्पेकुलेशन से दूर रहिए। हाँ ये देखिए, किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि किसी को उस स्वरूप की कल्पना करनी होती है। ये वही लिखा हुआ है, प्लीज समझिए, ये बहुत थिन लाइन है, बहुत ही पतली सी रेखा, महीन रेखा। अगर आप मनोधर्म से भक्ति करने लग जाएं, मेंटल स्पेकुलेशन से भक्ति करने लग जाएं, अपने विचार अनुसार भक्ति करने लग जाएं, तो ये कोई भक्ति भक्ति नहीं होगी, ये अपने आप को मूर्ख बनाने वाली स्थिति। आप अपने आप को मूर्ख बना रहे, आप भक्ति नहीं कर रहे, आप मूर्ख बना रहे। परंतु दूसरी तरफ अगर आप गुरु के कहे अनुसार चलते हैं, अपने हृदय को शुद्ध कर लेते हैं और गुरु की इच्छा अनुरूप कार्य करते हैं, गुरु जैसा बोल दे वैसा कार्य कर, हम लोग बोलते भी हमें गुरु के हाथ की कठपुतली बनना, उसके बाद कृष्णा अपने आप, कृष्णा भगवत गीता में क्या बोले वापस से याद कीजिए, जो मेरे प्रति समर्पण करता है मैं उसको रास्ता दिखाता हूं कि वो मेरे पास आ सके। तो आपने गुरु की बात सुनकर के क्या किया, समर्पण किया। और अब कृष्णा क्या करेंगे, कृष्णा अपने कहे से बाध्य भी है, परंतु हमें बाध्य नहीं समझना चाहिए, हमें तो समझना चाहिए कृष्णा कर देंगे, हम पे कृपा हमेशा ही करते हैं, इस बार भी करते। तो कृष्णा हमें मार्ग दिखा देंगे कि हम जिस मार्ग से कृष्णा तक पहुंच, ये ठीक ध्रुव महाराज की तरह। ध्रुव महाराज दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि हमें तो भगवान से मिलना है, ऑल्दो उनका लक्ष्य कुछ और था, परंतु दृढ़ प्रतिज्ञ क्या थे कि हमको भगवान से मिलना है। तो भगवान क्या करते, तुमको मेरे से मिलना, मार्ग बता दे, तो नारद मुनि जाइए बताइए ध्रुव महाराज को। नारद मुनि पहले बोलते नहीं नहीं तुम तो छोटे बालक हो, अभी कैसे भक्ति, जाओ वापस घर, नहीं नहीं मैं तो भक्ति करूंगा, क्या करना होगा। नारद मुनि फिर बताते हैं ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा, ठीक है मैं करता हूँ। देखिए शुद्ध भक्त के लिए लक्ष्य मात्र भगवान हो, कोई ऐसा सोच सकता है कि ध्रुव महाराज के लिए लक्ष्य राजपाट था, परंतु नहीं नहीं, असलियत यह है, ठीक नव विधि भक्ति की तरह आप समझिए, नौ विधि है भक्ति करने के, कोई श्रवण करे तो कृष्णा का भक्त बन के कृष्णा के प्रति पूर्ण समर्पण कर सकता है, बस श्रवण कर रहा है और कृष्णा की लीलाओं में डूबा हुआ, परम शुद्ध हो गया, कृष्णा के धाम चला जाएगा। कोई कीर्तन कर रहा है और कृष्णा के रस में डूबा हुआ है, कृष्णा का चिंतन कर रहा है, कृष्णा के धाम चला जाए। नव विधि भक्ति में कोई भी एक विधि से हम कृष्णा का चिंतन करें, कृष्णा के धाम जा सकते हैं। उसी प्रकार से एक स्थिति यह भी है कि आप किसी कामना के कारण
परम लक्ष्य को कृष्णा ही बना लिए। कोई भी कामना, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, पर कृष्णा से चाहिए। उद्धव जी गोपियों के पास गए थे, गोपियों को बोलते हैं कृष्णा का चिंतन क्यों करती हैं आप, कृष्णा तो आपको छोड़ के चले गए। गोपियां सोचती हैं, बोलती हैं कृष्णा से ज्यादा कष्ट देने वाला कोई नहीं हुआ, हमने तो उन्हें अपना सब कुछ समर्पण कर दिया था, परंतु फिर भी छोड़ के चले। अब जो आगे बात बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम भाव। गोपियां बोलती हैं ये बात तो सही है कि कृष्णा हमको छोड़ करके उधर द्वारका में राजा, परंतु ये हमारी स्थिति नहीं है कि हम कृष्णा का चिंतन एक पल भी छोड़ सके। गोपियों को दुख चाहिए तो कृष्णा से चाहिए, सुख चाहिए तो कृष्णा से चाहिए, जो चाहिए कृष्णा से चाहिए। शुद्ध भक्ति में यही तो स्तर होता कि हम पूर्ण रूप से कृष्णा के प्रति आश्रित हो जाएं। भौतिकवादियों को यह देख करके लग रहा होगा कि ध्रुव महाराज तो अपना राजपाट मांगने आए थे, परंतु नहीं, वो तो कृष्णा के प्रति पूर्ण समर्पित थे। जब माता ने बता दिया कृष्ण ही भगवान, ऑल्दो ये देखिए शुद्ध भक्त कभी भी अपना कार्यकलाप करते हैं ना, तो ये ध्रुव महाराज कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं हो सकते हैं। कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो सकते हैं कि ये किसी को चोट लगा किसके पास इलाज है, भगवान के पास इलाज है, चलो हम चल देते हैं भगवान के पास, क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, हम कर लिए, हम कृष्णा से मिल लिए, ऐसा नहीं होता। शुद्ध भक्त पहले से ही शुद्ध होते हैं। जिस प्रकार अर्जुन भगवत गीता में एक्टिंग करते हैं, ठीक उसी प्रकार शुद्ध भक्त भी एक्टिंग करते हैं। हम लोगों को जागृत करते हैं, जागो जागो। शुद्ध भक्त पहले से ही शुद्ध होते हैं, उनमें कोई मलिनता नहीं होती। तो ध्रुव महाराज तो पहले से ही शुद्ध थे, परंतु उनने ऐसा कार्यकलाप करके दिखा। तो दोनों बात सही है, आई होप सभी को एकदम क्लियर हो गया, इसके बाद कोई डाउट ना रहे। देखिए एक बात जानिए, जब आपके हृदय में किसी भी प्रकार का संशय होता, किसी भी प्रकार का संशय होता, कोई भी संशय हो सकता है, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे से अच्छा तो उसके साथ हो गया, मैंने भक्ति की मेरे को फल नहीं प्राप्त हुआ, मेरे साथ इतना कष्ट क्यों है, हैं? भगवान अन्याय क्यों कर रहे हैं, इन लोगों के साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को धन क्यों नहीं है, मेरा मान क्यों नहीं है, मेरा ये क्यों नहीं है, मेरा वो क्यों नहीं है, लोग मेरे प्रति बुरा क्यों कर रहे हैं। आप समझिए कृष्णा स्वयं भगवत गीता में क्या बताते हैं, अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होता, मूर्खों और अश्रद्धालु को मैं प्रकट नहीं होता। मूर्ख कौन होते हैं, मूर्ख वो नहीं जिनका आईक्यू लेवल कम होता है। भौतिक जगत में हमारा मापदंड मूर्ख और समझदार का होता है आईक्यू लेवल,
किसी का आईक्यू लेवल कम हो गया, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, कोई कम पढ़ने में, कोई कम पढ़ाई कर सकता है, कोई कम याद रख सकता है, तो हम उसे मूर्ख बता देते हैं। नहीं, वो मूर्ख नहीं है, मूर्ख वो है जहां पे कृष्णा हृदय के अंदर बैठ करके भी हमें गाइड कर रहे हैं, हृदय के बाहर भी गाइड कर रहे हैं, परंतु हम नहीं सुन रहे। कृष्णा हमारे हृदय के अंदर रह करके बोलते हैं कि ये सही है, हृदय के बाहर गुरु को भेज दिया, शास्त्र को भेज दिया और बता दिया ये सही मार्ग है, और उसके बाद हम क्या बोलते हैं? नहीं। देखिए, कृष्णा ने हमें बुद्धि दी है, परंतु बुद्धि इसलिए दी है कि उसी बुद्धि से हम कृष्णा के बारे में समझ पाए। सोच के देखिए कितनी अमेजिंग बात है, आश्चर्यजनक। हमारी बुद्धि इतनी प्रबल नहीं है कि हम आध्यात्मिक बात को समझ पाए, परंतु वही बुद्धि इतनी विवेकी है कि हम सही और गलत का भान कर पाए। इसमें भी हमें स्वतंत्रता। बहुत लोग देखते होंगे, प्लीज माफ कीजिए, मैं किसी पेशे पे उंगली नहीं उठा रहा, परंतु बताने के लिए, समझाने के लिए बता। एडवोकेट को देखते होंगे, लॉयर, लॉयर को मालूम होता है बहुत बार कि ये जो मेरा मुवक्किल है जिसके लिए मैं केस लड़ूंगा, मुवक्किल उसी को बोलते हैं ना, ठीक है, जो भी, जिसके लिए मैं केस लड़ने वाला हूं, वो गलत किया हुआ है, उसने अपराध किया हुआ, पर मेरे पास आया है तो मैं बचाऊंगा उसको। ये मेरे पास आया है, अब मैं इसको बचाऊंगा। तो वकील इस प्रकार से ताने बाने को बुन देता है कि जो जो झूठ है वही सत्य लगने लगे, जो सत्य है वही झूठ लगने लगे। ठीक इसी प्रकार से हम अपने हृदय में सत्य और झूठ की श्रृंखला को उल्टा भी पुरो सकते हैं, झूठा भी अपने आप को समझा सकते हैं, और हमको रोकने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं रोकेगा। आपको गलत करना है, आपको पाप करना है, आप कर सकते हैं, अलाउड कीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल भी बहुत विशेष बात किए थे, आज भी ये बहुत विशेष बात, ठीक है, क्लियर है सभी को? मेंटल स्पेकुलेशन नहीं भी करना है, मानसिक शुष्क चिंतन नहीं भी करना, और कृष्णा में रास्ता भी दिखा दो, ठीक है? हरे कृष्ण। आई होप क्लियर हो, अगर नहीं हो तो कृपया जिज्ञासा कर लें, पूछ लें, ऐसे बीच में मत छोड़ दीजिएगा। मैंने कोशिश किया कि आपको दोनों पर्सपेक्टिव एकदम क्लियरली दिखाई दे, है ना? ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, हरे कृष्ण, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, योगी को चाहिए कि भगवान के नेत्रों की कृपा पूर्ण चित्तवन का ध्यान पूर्ण समर्पण भाव से करे, क्योंकि उससे भक्तों के अत्यंत भयावह तीन प्रकार के कष्टों का शमन होता है। प्रेम भरी मुस्कान से युक्त उनकी चित्तवन विपुल प्रसाद से पूर्ण है। तात्पर्य, जब तक मनुष्य इस भौतिक शरीर के साथ बद्ध जीवन में रहता है तो वह
नाना प्रकार के चिंताओं तथा कष्टों को भोगता रहता है। कोई भी भौतिक शक्ति के प्रभाव से बच नहीं सकता, भले ही वह दिव्य पद को क्यों न प्राप्त हो। कभी कभी अड़चनें आती हैं, किंतु भक्तों की सारी चिंताएं तथा कष्ट भगवान के सुंदर रूप का या उनके मुस्कान भरे मुख का चिंतन करते ही दूर हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों को असंख्य वर देने वाले हैं, और सबसे बड़ा प्रसाद तो उनका मुस्काता चेहरा है, जो भक्तों के लिए कृपा से पूर्ण है। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज एक और बहुत बड़ी बात है। देखिए, अक्सर आप सोचते होंगे कि बार बार बताया जाता है कि भक्तों को कष्ट होता है। अभी हम लोगों ने भी क्लास में भी बोला था कि अगर भक्ति कीजिएगा तो ज्यादा कष्ट होगा, भक्त बनेंगे तो अधिक कष्ट हो जाएगा। भक्त को कष्ट होता है, भक्त को कष्ट होता है, देखते भी हैं। बहुत सारे भक्त होते हैं वो बहुत कष्ट झेलते हैं, देखा है ना आपने भी, बहुत सारे भक्त होते हैं बहुत कष्ट झेलते हैं। तो ये कैसा आनंद है? अगर भक्ति करेंगे और कष्ट मिलेगा तो कैसा आनंद है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बाहर जाकर के लोगों को ये बात बोलिएगा नहीं, ये बात उनके लिए है जो भगवत गीता सुन रहे हो, सुने हो, श्रीमद् भागवतम सुनने का प्रयास कर रहे हो, उनको आगे की बात समझ में आएगी। बाहर जाकर के मत बोलिएगा। बाहर जाकर के अगर लोगों को, सामान्य लोगों को जो भगवत गीता सुने भी नहीं है, भगवत गीता क्या है पता नहीं है, कृष्णा के बारे में मालूम नहीं है, उनको जाकर के ये बात बोल दिएगा ना, क्या भक्ति करेंगे तो और कष्ट होगा? ना भैया, मैं ऐसे ही ठीक, हमने जीवन में पहले ही बहुत कष्ट देखे हुए हैं, हमको और कष्ट मत दीजिए, हम ठीक है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम जैसा कर रहे हैं हमको करने दीजिए और हम ऐसे ही कर लेते हैं, जीवन ठीक। गलती से भी भक्ति नहीं करेंगे अगर आप ऐसा बोल दीजिए, ठीक है, तो बाहर जाकर के मत बोलिएगा। हाँ, एक बात बताइए, आपको कभी भी या फिर बहुत बार ऐसा हुआ होगा, हैं? पहले एक रियल एग्जांपल ही ले लेते हैं, उसके बाद पूछेंगे। आप लोगों के साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको बहुत जोर से भूख लग रही थी, आपके सामने प्रसादम आया, पहले खाना खाते थे, प्रसादम खाते हैं, और क्या हुआ कि गरम गरम प्रसादम था, या फिर आप दौड़ करके कहीं से चल करके थक करके आए और आपको बहुत जोर की भूख लग रही है, पेट दर्द कर रहा है, या तो आपने निकाले, आपने रिक्वेस्ट किया कि कृपया प्रसादम दे दीजिए, जल्दी से प्रसादम आ गया, अब आप क्या करने लग गए, फटाफट 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 खाने लग गए। 5 मिनट 7 मिनट खाने के बाद अचानक पता चलता है आज तो दाल में नमक बहुत ज्यादा नहीं है, अचानक से पता चलता है, तब तक पता नहीं था, 7 मिनट तक किसी को पता नहीं था, 7 मिनट के बाद अचानक से पता चलता है। ऐसा किसी से साथ हुआ? हरे कृष्ण, दाल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, नमक बहुत ज्यादा था या बहुत कम था, हैं? कुछ भी हो सकता है। यस, हरे कृष्णा। हाँ, ये मत सोचिएगा आपने बोल दिया तो आपने किसी का घर में माता का या पत्नी का या बहन का मजाक बना दिया, नहीं ऐसा नहीं। हाँ ठीक है, बता सकते हैं, हरे कृष्ण, कोई नहीं देखता। हाँ बताइए बताइए, किन किन के साथ हुआ? बस 3-4 लोगों के साथ हुआ, बाकी लोगों के साथ नहीं हुआ। हरे कृष्णा, ये बहुत कम हुआ है, पता नहीं।
मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता था, दाल में चाहे सब्जी में नमक कम भी हो ज्यादा भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, भूख लग रही है तो पहले खा लेते हैं, खाने के बाद पता चलता है अच्छा ये तो कम था, दे दीजिए नमक दे दीजिए, अब तो पता चल रहा है मेरे को। हाँ अगर रोड पे एक्सीडेंट हुआ हुआ है और बहुत बुरी स्थिति में कोई पेशेंट, आप डॉक्टर गाड़ी में ही आप अपना फर्स्ट एड किट रखते हैं, और दूसरी स्थिति ऐसी है कि एक चक्कर खा के कोई गिर गया और बैठ गया, किसी को चक्कर आया गिर गया और बैठ गया, दो दो तीन लोग उसके साथ, आप डॉक्टर हैं, कौन सी स्थिति में आप निकलिएगा और उसकी मदद करने लग जाइएगा, जब एक्सीडेंट हुआ हुआ है कि जब कोई चक्कर खा करके गिरा हुआ है, दोनों में से एक ही विकल्प, एक्सीडेंट वाली स्थिति में चक्कर वाली स्थिति। जब हमारी स्थिति बहुत खराब होती है तभी हमको अच्छी चीजों की अनुभूति अच्छे से होती है, हमें पता चलता है किसी भी चीज का वैल्यू तब पता चलता है जब हमारी स्थिति बहुत खराब होती है, लोगों को धन का मोह तब समझ में आता है जब वो धन धन विहीन होते हैं, है ना, असली मोल तब समझ में आता है, बाकी समय तो बस ऐसे ही बर्बाद करते रहते हैं। हमें प्रेम का भी बोध तब होता जब हम ठुकराए जाते हैं। आज के दिन में हम सभी कृष्णा का प्रेम, कृष्णा के प्रेम की ये अनुभूति करना चाहते हैं ना कि कृष्णा हमसे प्रेम करे, कृष्णा के प्रेम को हम एक्सपीरियंस करें, चाहते हैं ना, कब चाहते हैं? जब हमने इस जगत में या तो ठुकराते हुए अपने आप को देखा कि हम किसी से भी प्रेम करते हैं वो प्रेम के ठुकरा देता है, मान नहीं करता, या हम दूसरों को देख करके अनुभव कर ले, लोगों को देख करके हम अनुभव कर ले, भौतिक जगत में भी हम प्रेम को तब वैल्यू करेंगे जब हमें कोई ठुकराएगा। अभी सपोज कीजिए किन्हीं की स्थिति है, अभी जो एग्जाम्पल दिया था उसको भी वापस से जोड़ सकते हैं, पर किन्हीं की स्थिति है कि उनका सब कुछ अच्छा है, उनके परिवार वाले अच्छे हैं, धन अच्छी स्थिति है, पढ़ाई अच्छे से किया हुआ है, अच्छी जगह जॉब कर रहा है, अच्छे से रह रहा है, अच्छे से खा रहा है, अच्छे से सब कुछ चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, इस स्थिति में भक्ति करना आसान है क्या? अगर सब कुछ ही अच्छा चल रहा है इस स्थिति में भक्ति करना आसान है, बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। वो इसी स्थिति में रहना चाहेगा, परंतु जो भक्त होता है वो ना सिर्फ अपनी बाकी सबकी पीड़ा भी देखता है, जब वो पीड़ा वाली स्थिति में रहता है सभी के दुख दर्द देखता है, दुख दर्द क्या, भौतिक दुख दर्द नहीं,
वो दुख ये देखता है कि निरंतर रूप से ये भौतिक दर्द इसलिए सह रहा है क्योंकि कृष्णा से संबंध टूटा हुआ है, निरंतर रूप से सह रहा है। कोई पशु हो पक्षी हो दर्द सह रहा है, आप उनकी क्या मदद कर सकते? अगर उनकी भौतिक पीड़ा को भी समाप्त कर दें तो क्या गारंटी अगली बार उनको पीड़ा नहीं होगी? और ये तो मात्र इस जन्म का हुआ, अगले जन्म में फिर से पीड़ा होगी। हम लोग अभी थोड़े दिन पहले भी बात किए थे, कुत्ता आजकल देखने लग गया, बिल्ली और ये सब भी रखने लग गया लोग, ये सब ना रखिए। ठीक है जिनके पास है वो रखिए अभी जब तक है, उसके बाद मतलब वो समय जो है आप उनकी मदद करने में लगाइए। जिनको आप आध्यात्मिक रूप से जागृत बना सकते, जिनको जगा सकते, क्योंकि देखिए आप समझिए एफर्ट तो लगेगा। अगर आप कोई पक्षी पाले हुए हैं कोई पशु पाले हुए हैं तो एफर्ट तो लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप समय नहीं लगाएंगे, समय भी लगेगा, मन भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। तो ऐसा समय लगा करके, ऐसा एफर्ट लगा करके, ऐसा प्रयास करके क्या फायदा जो विफल हो जाएगा? प्रयास उस पे कीजिए जो सफल हो जाए। अगर आप किसी को भगवान के प्रति जागरूक बनाते हैं और वो जागरूक बन गए तो 84 लाख योनियों का कष्ट खत्म। 84 लाख बस बोलने के लिए, देखिए 84 लाख योनियां होती है, जरूर थोड़ी ना आपको 84 लाख योनियां मिले, हो सकता है डबल मिल जाए, हो सकता है चार गुना मिल जाए, हो सकता है आधा मिल जाए, हो सकता है कुछ भी मिल जाए, वो तो चेतना पे डिपेंड करता है। कभी भी 84 लाख बोले उसका अर्थ 84 लाख नहीं है, हो सकता है चौथे जीवन में ही मानव जीवन मिल जाए, हो सकता है 84 लाख बोल रहे 400 लाख बाद साल बाद आपको 400 लाख योनिया बाद आपको फिर से मानव जीवन मिले। आप पाप कर्म पे पाप कर्म किए जा रहे हैं तो करते जाइए, एक बार कीजिए फिर दूसरी बार कीजिए फिर तीसरी बार कीजिए, करते जाइए, जब शुद्ध होने की स्थिति आएगी तब मानव जीवन मिलेगा। तो जब अपॉर्चुनिटी मिला है तो आप इस समय को अपने उत्थान के लिए उपयोग कीजिए, मानव पालक के चेतना में उत्थान के लिए उपयोग कीजिए। हाँ कोई चलते फिरते कोई पशु पक्षी भी आ जाए तो उनका भी कीर्तन सुनाइए, उनको भी शुद्ध बनाने का प्रयास कीजिए, परंतु खुद से प्रयास मत कीजिए कि हम किसी पशु पक्षी का हम भला कर दें, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हम मानव का उत्थान कर सकते, सबसे पहले अपनी चेतना को शुद्ध करने का प्रयास कीजिए। विधि भक्ति वापस से अभी जो बात किया, आदेश अनुसार सबसे पहले अपने आप को शुद्ध बनाइए, उसके बाद सभी को शुद्ध बनाइए। सभी को कृष्णा की भक्ति में लगाइए। देखिए आप सभी भगवत ज्ञान समझने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अगर इसको जीवन में नहीं उतारे, अगर अपने परिवार अपने संबंधी के लिए भलाई में इसका उपयोग नहीं किया तो क्या लाभ होगा?
देखिए ये बात बिल्कुल सही है, एक इम्पोर्टेंट बात है, ये बात बिल्कुल सही है। किसी को मानव जीवन मिल गया तो बहुत योनिया, सॉरी बहुत क्या उसको बोलते हैं, कुल में क्या होता है, पीढ़ियां, पीढ़िया पीढ़िया बहुत पीढ़ियां ऊपर और बहुत पीढ़ियां नीचे शुद्ध हो जाएंगी, परंतु उनको भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा जब तक वो भक्ति ना करें। आप शुद्ध हो जाइए बहुत अच्छी बात है, आप भगवत भक्ति कीजिए बहुत अच्छी बात है, परंतु उनको भी करवाइए, चीटिंग बाजी मत कीजिए, आप जिनको भी संबंधी जानते सभी को करवाइए, प्रयास कीजिए, बताते रहिए। और देखिए एक बड़ा सरल सा तरीका बताते, किसी से भी भौतिक बातें क्यों करनी है, कोई भी आपसे बात कर रहा है आपको भौतिक बात करनी ही क्यों है, उससे क्या उसका लाभ है, उससे क्या आपका लाभ है, तो आप सबसे आध्यात्मिक बात कीजिए, जो आपसे आध्यात्मिक बात नहीं करता उससे कम बात कीजिए, ज्यादा बात मत कीजिए। और सभी को भक्त बनाने का प्रयास कीजिए, जो भक्त बनते बहुत अच्छी बात है, जो भक्त नहीं बनते उससे थोड़ा कम बात कर लीजिए, जो शिष्टाचार है उसे अनुरूप बात कीजिए, बिल्कुल कीजिए। है ना, तो सभी को प्रयास कीजिए, सभी को प्रयास कीजिए कृष्णा का प्रेम चखने का। अगर सबने कृष्णा का प्रेम चख लिया, सोच के देखिए कितना भयावह कष्ट से आप उन्हें बचा लेंगे। आप सोच के देखिए, ये मालूम है कैसा है, ये वैसा है, अभी अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, अभी 1 मिनट में एक्सपीरियंस हो, 1 मिनट बाद आपका आंसर देखिएगा बहुत ही ज्यादा बदला हुआ सा आएगा। ये कुछ वैसा है कि आपको मालूम है कि नीचे जो गाड़ी पार्क की हुई है उसमें टाइम बॉम्ब लगा हुआ है, और आपके कोई संबंधी है वो गाड़ी का चाबी ढूंढ रहा है, लाओ गाड़ी का चाबी कहाँ पे है, मेरे को जाना है, मैं लेट हो रहा हूं, मेरे को जाना है, गाड़ी नीचे पार्क है, मेरे को जाना है, और मैं आपको बोल रहा हूं कि उनको हाथ पकड़िए, पैर पकड़िए, कुछ भी पकड़िए, रोकिए, समझाइए, अरे गाड़ी में बम है रोक लीजिए, जीवन मिला है हम कृष्णा धाम जा सकते हैं, क्यों अपने आप को जिस प्रकार गाड़ी में बम है हम अपने शरीर का नाश करते हैं, हम अपनी आत्मा का नाश क्यों करना चाह रहे हैं। बचा लीजिए, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जो चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र की माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी भक्तों की हरे दंडोत्तर प्रणाम प्रभु।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस किन्हीं की यस कोई नहीं कोई नहीं, किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो पूछ सकते। ओके, हमें सेवा क्यों करनी है? सेवा करने का के लिए और सेवा करने वक्त हमारा क्या मूड होना चाहिए? हमें सेवा क्यों करनी है? क्योंकि गुरु ने बोला, और कोई भी कारण हो सकता है क्या? अभी जैसे क्या कार्य करना है वो कौन डिसाइड करेगा? आप। तो सेवा क्यों करनी है? क्योंकि गुरु ने बोला। सेवा करने के लिए, सेवा करने वक्त हमारा क्या मूड होना चाहिए? मूड मूड कुछ नहीं होना चाहिए है? कोई मूड नहीं होना चाहिए है? हमको बस इतना जानना होना चाहिए कि गुरु को प्रसन्न करें। सेवा करने का भाव क्या है? कि स्वामी को प्रसन्न करते, बस खत्म। ऐसे भी सेवा किसके लिए कीजिएगा? स्वामी के लिए कीजिएगा। आप किसको स्वामी जानते हैं? अपने आप को प्रभु जानते हैं। प्रभुत्व की भावना से हम इस भौतिक जगत में आते हैं। अब किसको प्रभु जानते हैं? ऑब्वियसली कृष्णा को जानते हैं, पर भौतिक जगत में किसको जानते हैं? भौतिक जगत में जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है उसमें किसको जानते हैं? तो आप किसको प्रभु जानते हैं वो बताना पड़ेगा। एक्चुअली में स्थिति यही है कि आप प्रभु की सेवा कीजिएगा। आप जिसको प्रभु जानते हैं आप उसी की सेवा कीजिएगा। मतलब उसी के कहे अनुसार सेवा कीजिएगा, कहे अनुसार कीजिएगा तो उन्हीं के लिए करना। तो आप अपने आप को प्रभु जानते हैं तो अपने लिए सेवा कीजिएगा। अपने माता पिता को प्रभु जान रहे हैं तो उनके लिए सेवा कीजिएगा। देखिए, माता पिता का आदर कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, परंतु किसके कहने पे? कृष्णा के कहने पे। किसके कहने पे? गुरु के कहने पे। जिस दिन हमारे हृदय में ये भाव आ गया ना कि हमें गुरु की भी सेवा करनी है, माता पिता की भी सेवा करनी है, इसका अर्थ है गुरु पे हमें कोई श्रद्धा नहीं। क्योंकि आपको अपनी भौतिक बुद्धि से यह समझना है कि आपको माता पिता की भी सेवा करनी है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि गुरु आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, और अगर माता पिता की सेवा करना आपका हित है तो गुरु पहले ही बोलेंगे आप। तो प्रभु कौन है आपके लिए वो बताना पड़ेगा और उस अनुसार कार्य की। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, कृष्ण और कृष्णा में कोई अंतर नहीं है, बताया है क्लास में बहुत डिटेल रूप से ये डिस्कशन हुआ था। आपको कंक्लूजन देते हैं, इस रिमाइंडर श्रील प्रभुपाद के अनुसार ही हमने बताया था कृष्ण और कृष्णा में कोई फर्क नहीं। सब जगह से निकाला था, ठीक है। आपको सीधा सीधा रस मिल जा रहा है, ग्रहण कर लीजिएगा। नहीं मन कर रहा है कि नहीं प्रभु जी मेरे को तो थोड़ा और ज्यादा रीजन बता दीजिएगा, बाद में मेरे को मैसेज करके पूछ लीजिएगा। बाकी कोई लॉजिक नहीं। ये क्या है? कृष्ण श्री हरि है और कृष्णा नहीं। नहीं नहीं, देखिए ऐसा सुना नहीं। देखिए द्रौपदी द्रौपदी देखिए क्या होता है, मेरा नाम क्या है? हरे कृष्ण। मेरा नाम क्या है? फर्स्ट नेम, जिस नाम से मैं जाना जाता हूं यहाँ पे इस भौतिक जगत। नहीं नहीं, फर्स्ट नेम श्री नहीं, फर्स्ट नेम कुछ और है। श्री राम प्रभु जी। श्री राम, मेरा नाम तो श्री राम है, तो मैं क्या हो गया? मैं कृष्णा हो गया। अच्छा, मैं कृष्णा, हाँ मैं तो भगवान हूँ, है ना। आपसे अब से आप भगवान जानिए, है ना।
ठीक है, आज से सब कोई भगवान बोलिएगा, है ना, श्री राम भी मत बोलिएगा, प्रभु जी मत बोलिएगा, भगवान बोलिएगा आज, ठीक है। किसी का नाम बराबर हो जाने से वो बराबर हो जाता है क्या? किसी का, किसी दो व्यक्ति का नाम सेम हो जाएगा तो दोनों एक ही हो जाएगा क्या? है? तो नाम श्री राम होने से कुछ नहीं होता है, नाम श्री राम कोई भी रख सकता है, तो नाम श्री राम होने से, है ना, उसी प्रकार से कृष्णा नाम। इनफैक्ट बहुत जगह माताएं अपना नाम कृष्णा रखती, बहुत जगह रखती, है ना, तो कौन सा द्रौपदी वाला कृष्णा रखती है क्या? नहीं, नाम रखने से कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या आप कभी कभी प्रणाम वैष्णव गोस्वामी इन सब की जीवनी, जीवनी पे कभी कभी परम, ओके परम वैष्णव, सॉरी, इन सब की जीवनी पे डिस्कस कर सकते हैं ताकि हमारी भक्ति में इंस्पिरेशन मिले? आप पहले भी बोला गया, करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है कि ये सब इतने शुद्ध भक्त हैं कि उनके बारे में बात करते समय भी मुझे बहुत अजीब सा लगता है, मतलब मैं क्या बोलूं, थोड़ा बहुत इधर बता सकता हूँ, थोड़ा बहुत उधर बता सकता हूँ, जब उनके बारे में ही पूरा डिस्कस कर रहे हैं तो फिर बड़ा, मतलब आप सोच के देखिए कि कौन सा पास्ट टाइम उनका ना बताए, कौन सा छूट जाए, ये सब बहुत सारा लगता है। और फिर ये भी लगता है कि अगर कोई पास्ट टाइम में उनका ग्लोरिफिकेशन थोड़ा कम कर दिए, हैं, अगर सपोज कीजिए उनकी कीर्ति थोड़ी कम कर दिए तो ये गलत है ना, वो तो है शुद्ध भक्त और हम क्या कर रहे हैं, उनकी कीर्ति नहीं कर रहे, फिर क्या हो जाएगा, ये अपराध जैसा हो जाएगा ना, यस, थोड़ा सा वो संकोच आ जाता है, परंतु करेंगे, करेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए, करते हैं। ये है लिस्ट में है, या तो संडे स्पेशल होता है तो किसी किसी दिन वो करेंगे, किसी किसी दिन संडे स्पेशल में ये करेंगे, परंतु अभी अभी के लिए थोड़ा सा समय दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बोला था कि कृष्णा कोई भी पाप करने से रोकते हैं, पर हमें कैसे पता लगेगा कि कृष्णा हमें कब रोक रहे हैं? हमें यही तो बात है ना, आप कृष्णा की सुनते क्या, माया के प्रभाव में हम कृष्णा की सुनते नहीं है। अगर आपको कृष्णा की सुननी है, देखिए इसको थोड़ा आसान तरीके से समझते, कृष्णा के पास एक फोन है और कृष्णा फोन लगा रहे हैं, हेलो हेलो मेरे को बात करनी है, हेलो, आपके पास एक फोन है पर उसमें रिचार्ज नहीं, फोन है सिम है रिचार्ज नहीं करा है, बड़ा दिक्कत, कृष्णा फोन किए जा रहे हैं पर आपकी बात नहीं, ऐसा नहीं है कि फोन नहीं है, ऐसा नहीं है सिम नहीं है, दोनों है, फोन में चार्ज भी पूरा है पर रिचार्ज पूरा नहीं है। अब रिचार्ज करने के लिए क्या करना होगा, चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय को साफ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, हैं? नेटवर्क को साफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे फोन का रिचार्ज, और जैसे ही रिचार्ज हो जाएगा कृष्णा का फोन आया, बात कर लीजिएगा, हेलो, हाँ आपको ये करना था, ठीक है मैं ये कर लेता हूँ, सीधा सीधा सुन लीजिएगा, है, परंतु बिना रिचार्ज के काम नहीं चलेगा। बोले कि हम तो चेतो चेतो दर्पण मार्जन नहीं करेंगे, हम तो हृदय को साफ नहीं करेंगे, अभी नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा जी प्रभु जी। रास्ता तो बड़ा सरल है, रास्ता बड़ा सरल, मुश्किल नहीं, परंतु उस पर चलना पड़ेगा। बोले हम चलेंगे नहीं,
हम नाम जप करेंगे नहीं, हम क्लास ज्वाइन करेंगे नहीं, हम वैष्णव संग करेंगे नहीं, गुरु की कृपा चाहिए नहीं, वैष्णव की कृपा चाहिए नहीं, शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, तो फिर आपको फोन आएगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आपका फोन रिचार्ज नहीं। फिर आपको लगेगा कि मेरे को कोई फोन नहीं करता, दुख भी होगा हमको, दुख भी होगा कि मेरा फोन रिचार्ज नहीं, मेरे को कोई फोन नहीं करता, परंतु आपका तो फोन रिचार्ज नहीं, गड़बड़ कुछ और है। होएगा रिचार्ज, होएगा, रुक जाइए, है ना, अपने आप हो जाएगा उसको। जैसे आप लोग क्या करते हैं ना, जैसे सपोज कीजिए आपका रिचार्ज फेल हो गया है, फोन डेड हो गया, तो हमको जाना पड़ता है रिचार्ज कराने के लिए, या नेट चाहिए, वाईफाई चाहिए है, उससे फिर रिचार्ज करते हैं, बिना उसके फोन काम नहीं करता, परंतु ये वाला रिचार्ज ऑटोमेटिक होता है। आप नाम जपिए, आप क्लास सुनिए, अपने आप सब हो जाएगा। इसीलिए बोले थे ये मत जानिएगा कि हम कब शुद्ध होंगे, मत जानिए कब शुद्ध होंगे, हमको नहीं जानना, आप अपना रिचार्ज पे काम कीजिए, है ना। हाँ, आई फील आई एम लिसनिंग कृष्णा डेली। हाँ, कृष्णा और कृष्णा का नाम अलग थोड़ी ना, कृष्णा और कृष्णा के शब्द अलग थोड़ी ना, कृष्णा को ही सुनना है। तो रिचार्ज कर लीजिए, उसके बाद कृष्णा मिल जाएंगे। रिचार्ज करते समय ये मत सोचिएगा, प्लीज मत सोचिए, ये बड़ा दिक्कत हो जाएगा, बिल्कुल मत सोचिए कि हमको कितनी देर तक करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। एक बात बताइए, आपको ये चीज सरल बनाते, ध्रुव महाराज जब इस प्रकार से तपस्या कर रहे थे, जब उनने धीरे धीरे खाना छोड़ दिया, फिर सांस लेना छोड़ दिया, सब कुछ कर, वो क्या सोच रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे कि हमको 2 दिन तक ये नहीं करना है, 7 दिन तक ये नहीं करना है, 8वें दिन कृष्ण आ जाएंगे। जब तक आप ये भौतिक बुद्धि लगाइएगा तब तक कृष्णा नहीं मिलेंगे, इसीलिए सोचना छोड़ दीजिए आपको कृष्णा कैसे मिलेंगे, आप बस प्रोसेस फॉलो कीजिए और कृष्णा के प्रति समर्पित हो जाइए। ठीक अम्बरीश महाराज की तरह कि मैंने एकादशी का व्रत भी आप ही की इच्छा के लिए किया, आप ही की प्रसन्नता के लिए किया, और द्वादशी का पारण भी आप ही की प्रसन्नता के लिए। अब आपकी इच्छा है मेरे साथ जो करना है वो करें, हमारा समर्पण इस प्रकार का होना चाहिए, कृष्णा की इच्छा, है ना, अंतिम में चलेगा तो उन्हीं का, ऐसे भी उन्हीं का चलना चाहिए, हम अपना चला करके फायदे में नहीं रहते, है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक जिज्ञासा और थी, अभी लेक्चर के दौरान आपने बताया कि कृष्णा बातें हैं, जो वो कहते हैं उसी अनुसार करते हैं, जी, तो आपने पहले भी कई बार बताया कृष्णा इज फुल्ली इंडिपेंडेंट, वो जो चाहे करे, अगर वो कहते हैं तो करे, अगर नहीं कहते तो ना करे, उनकी इच्छा है। तो ये दोनों बातें मेरे को एक दूसरे के विरोधाभासी लगी। बिल्कुल सही बात है, विरोधाभासी। देखिए क्या है, कृष्णा ने बोला, अभी सपोज कीजिए, मैं आपको एकदम सरल तरीके से, कृष्णा ने बोला कि तुम संकट में रहोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्या बोलते हैं कृष्णा, बोलते हैं ना कि मैं सबके लिए समान हूं पर भक्तों की विशेष रक्षा करता हूं, विशेष कृपा करता हूं, बोले ना। अब भक्त कष्ट में आ गए, अब जैसे ही भक्त कष्ट में आ गए, भक्त श्लोक को याद कर रहे, कृष्णा ने बोला है रक्षा करेंगे, तो इसी पल आने वाले, इसी पल आकर के मेरी रक्षा सबसे पहले करेंगे। कृष्णा बोले, अरे मूल, मैंने बोला था मैं रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, तुम अपने बारे में क्यों इतना सोचे जा रहे हो, तुमको अपनी पड़ी हुई है, एक काम करो, अभी थोड़ा और संकट में रहो, हम लोगों ने आज भी जाना, जब हम
फुल्ली कृष्णा के प्रति समर्पित होते तब कृष्णा कृपा करते। तो कृष्णा तो मदद करने के लिए बैठे हुए हैं, परंतु आप अपनी बुद्धि के प्रति समर्पित हो जाइएगा तो फिर कृष्णा आपकी मदद नहीं करेंगे। आप पहले अपनी बुद्धि लगा ली। ऑल्दो मुझे इस प्रकार से बात नहीं करना चाहिए, परंतु मैं किसी किसी डिवोटी को ये बात बोलता भी कि आपको डिविएट करने का मन कर रहा है ना। जब मैं कब बोलता हूँ, मैं तब बोलता हूँ जब मुझे मालूम है कि भटक करके वापस आ जाएगा। आपको डिविएट करने का मन कर रहा है ना, एक काम कीजिए, भटकिए। भटक करके जब थक जाइएगा, जब वापस आने का मन करेगा तो भक्ति कर दीजिए, है ना। तो वो क्या है, हम भटकते क्यों हैं, अपनी बुद्धि लगाने के कारण, समर्पण नहीं करने के कारण। तो अगर आप कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं है तो कृष्णा क्या करेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था बनाएंगे कि आप संघर्ष कीजिए और अंतिम में समझ में आएगा अच्छा, है ना। तो अच्छा यही है कि कृष्णा के प्रति समर्पित है। कृष्णा बाध्य तो है परंतु स्वतंत्र बिल्कुल। वो बाध्य है अपने शब्दों के प्रति, परंतु बाध्य इस प्रकार से है कि उनको पूर्ण स्वतंत्रता है कि कब उस बंधन में जाएंगे, कब उस बंधन में जाएंगे, उनकी पूर्ण स्वतंत्रता। आप देखते होंगे बहुत बार ऐसा लगता है कि असफल हो गए, असफल हो गए, असफल हो गए, असफल हो गए, और उसके बाद पता चलता सफल हो। होता है ना। तो ये जो असफल 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 लगने के लिए तो असफलता लग रही थी, परंतु ये असफलता नहीं थी, ये तो लास्ट पथ तक जाने का था जहां पे सफलता लिखी हुई थी, है ना। तो ये कृष्णा इस प्रकार से अपनी व्यवस्था बना करके रखते हैं। आप अपनी बुद्धि से मत समझिए, अपनी भौतिक बुद्धि मत लगे। भौतिक बुद्धि लगाइएगा तो क्या होगा, वो असफल 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 चार बार हुआ ना तो सोचेंगे हो गया, हम तो असफल ही हो गए। अंग्रेजी में बोलते हैं बी फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन कृष्णा, हमेशा कृष्णा के प्रति समर्पित रही और सफल हो जाएगी। बुद्धि लगाए तो समर्पण नहीं लगाए, और बुद्धि लगाया समर्पण नहीं लगाया तो असफलता गारंटी। अगर सफल भी होते हुए दिख गया तब भी असफल हुई है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। क्लियर है सभी को, किन्हीं को कोई डाउट, कोई जिज्ञासा? आज की क्लास वैसे सभी के चेतना के लिए आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी को कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस हुआ क्या? जिनको नहीं हुआ वो बता दें, जिनको हुआ वो तो ठीक हो, जिनको नहीं हुआ कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस। तो असफलता से सफलता की ओर चले। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। आज भी नादिया गुदरू में सुने क्या? एक्चुअली में टाइम उतना ही बच रहा। सुने क्या? हरे कृष्णा। उसके बाद छोटा सा एक कीर्तन सुनेंगे। पहले नादिया गुदरू में सुन लेते हैं, फिर छोटा सा कीर्तन, फिर एंड कर सकते। प्रभु जी बहुत हुआ है, अच्छा बहुत हुआ है। हरे कृष्ण।
मेरे आंसर थोड़े ना कृष्णा के आंसर है, जीवन में श्रील प्रभुपाद के आंसर, गुरु माता के आंसर, मेरे थोड़े ना आंसर, मेरे आंसर नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं है आंसर क्या होता है। अरे चलिए कीर्तन सुनते हैं लाइव, एक मिनट, लेकिन मुझे डर लगता है कॉपीराइट स्ट्राइक मारने का, मेरे को कोई इशू नहीं है।